जो मैंने कंटिन्यूड टॉपिक कराना है ठीक है वो है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर जो मैंने हैंड वॉशिंग से कहा था पिछली बार उसे कंटिन्यू करते हैं ठीक है। ये बहुत कॉमन वर्ड है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो आप लोगों को याद रखना है अब ठीक है। स्टैंडर्ड वर्ड का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉर्मली जब हम बोलते हैं कि एक स्टैंडर्ड है उसका क्या मतलब है, कुछ भी जो आपको समझ में आता है इस वर्ड से। किसी भी तरह कुछ भी एक अच्छी अच्छी तरीके से बातें करनी है नहीं पीछे छोड़ो ये सिर्फ ये वर्ड का मतलब क्या है स्टैंडर्ड वर्ड का नाम नहीं पता। स्टैंडर्ड मतलब हर एक के लिए सेम है ठीक है। एक स्टैंडर्ड सेट जब हम करते हैं इसका मतलब हर एक के लिए सेम है ठीक है। हर एक के लिए सेम मतलब कि चाहे कोई भी टाइप का पेशेंट आए क्योंकि हम यहाँ पे हॉस्पिटल में इन्फेक्शन और पेशेंट्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी पेशेंट आए ठीक है उसके लिए ये सेम सेट ऑफ चीजें लागू होती है। स्टैंडर्ड मतलब सेम है ठीक है सबके लिए कॉमन है। प्रिकॉशन का क्या मतलब होता है, प्रिकॉशन की क्या हिंदी होती है, बचाव। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मतलब अपने आप को किससे बचाने के, इन्फेक्शन से बचाने के स्टैंडर्ड तरीके ठीक है। समझ आया इस वर्ड का मतलब, इन्फेक्शन से बचाने के स्टैंडर्ड तरीके ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ठीक है। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछता है स्टैंडर्ड सारी चीजें मिलाकर जो इन्फेक्शन को बचाती है, जो हमें इन्फेक्शन से बचाती है वो सारी चीजें मिलकर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बनाता है ठीक है। अब खुद सोचते हैं कि इसके अंदर फिर क्या क्या आना चाहिए। जब हम ये बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड चीजें, कोई भी टाइप का पेशेंट आए उसको इन्फेक्शन से हमें और उसको बचाने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो सब इसमें आती है। तो इसमें क्या क्या आना चाहिए, हैंड वॉश। तो इसका मतलब जो हैंड वॉशिंग हम करते हैं वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का पार्ट है ठीक है। तो सबसे पहले है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में जो स्टेप्स आप कर रहे हो उसमें क्या गड़बड़ है, देखो फर्स्ट स्टेप है ये ऐसे जिसमें हम पाम टू पाम भी कर रहे हैं और इंटरलॉकिंग भी कर रहे हैं ठीक है, ये स्टेप है फर्स्ट ओके। दूसरा स्टेप में हम बैक को रब कर रहे हैं ठीक है। सो सेकेंड स्टेप ये है ओके ठीक है, दूसरे हैंड से। फिर क्या है, ये जो पार्ट है ठीक है इसको ऐसे रब करना है ठीक है, क्लियर ऐसे। उसके बाद क्या बचा है, थंब ठीक है, फिर फिंगर टिप्स ठीक है, और उसके बाद रिस्ट, क्लियर ठीक है। अब ये पता है कि क्यों इन स्टेप से हैंड वॉश करते हैं, नहीं पता। दो ग्लव्स को लेके आएगा, व्हाइट वाले और हपीटा डे और एक खाली ट्रे। अच्छे मतलब जानशन ग्लव्स लाना, स्टेराइल ग्लव्स नहीं ठीक है, और ब्लीडर डे और एक एम्प्टी ट्रे अंदर से जब तक वो ला रही है। इसमें और क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, हैंड वॉश हो गया पहली चीज ठीक है। अच्छा कब कब हाथ धोते, कब कब हैंड वॉश करने चाहिए, पेशेंट को छूने से पहले, हाँ को छूने के बाद, और फाइव मूवमेंट्स होती है ठीक है। फाइव मूवमेंट्स मतलब पांच बार, वो पांच बार हर एक चीज को कवर कर देता है जब जब आपको पूरे दिन में हाथ धोना चाहिए ठीक है। पेशेंट को छूने से पहले, उसको छूने के बाद, कोई भी ऐसा प्रोसीजर करने से पहले जिसमें कीटाणु नहीं हो, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, जो ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, एसेप्टिक। एसेप्टिक मतलब जिसमें सेप्सिस ना हो, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, मतलब कीटाणु ना हो ठीक है। तो एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले ठीक है, और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर। बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर मतलब कुछ भी अगर आपके हाथ में या कहीं और लग जाता है, चाहे वो खून है या वो यूरिन है, कोई किसी भी टाइप का बॉडी फ्लूइड है, उसको टच करने के उसको उसके बाद, एक्सपोजर के बाद ठीक है, और पेशेंट के आसपास का एरिया टच करने के बाद। आसपास का एरिया मतलब कितना एरिया होना चाहिए, वो 3 फीट ठीक है। आसपास का एरिया मतलब पेशेंट के अराउंड 3 फीट एरिया टच करने के बाद ठीक है। अब आप बताओ कौन कौन सी होती है फाइव मूवमेंट्स, फाइव मूवमेंट्स में
कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर करने से पहले, एसेप्टिक मतलब विदाउट सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन रहित प्रोसीजर करने से पहले, जब हम ये पांच बार बोल रहे हैं तो इस पांच बार में आपकी मेडिसिन भी आ जाती है, कैनुला इंसर्शन भी आ जाता है, ठीक है, कैथेटराइजेशन भी आ जाता है या सेंट्रल लाइन इंसर्शन भी आ जाता है, कोई भी माइनर ड्रेसिंग, कोई भी माइनर प्रोसीजर, सब कुछ इसके अंदर आ गया, ठीक है, सब कुछ कवर हो गया इन पांच मूवमेंट्स, ठीक है। ये तो हैंड वॉशिंग के अंदर था, हैंड वॉशिंग के अंदर दो पार्ट थे, एक तो स्टेप्स और एक कप का हाथ धोना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, उसके अलावा हैंड वॉशिंग के अलावा, हाँ, मास्क, ठीक है। अब ये जो मास्क हम बोल रहे हैं इसकी एक टर्म होती है, ठीक है, वो है पीपीई। पीपीई मतलब, पहला पी का मतलब है पर्सनल, पर्सनल मतलब मुझे, ठीक है, दूसरे पी का मतलब है प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव मतलब बचाना, ठीक है, ई का मतलब है इक्विपमेंट मतलब चीजें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, सर्जिकल नीचे एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, हेड कैप, ठीक है, हेड कैप हमें बचाएगी, मास्क, गॉगल्स अगर कोई आई का एक्सपोजर की है तो, ठीक है, तो या अगर हम हेड से शुरू करें, सो हेड में हेड कैप हो गया, गॉगल्स हो गए, मास्क, ठीक है, ग्लव्स, गाउन, शूगर, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह चीजें, ये छह की छह चीजें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आती है, ठीक है, समझ आया। अभी इसके अंदर हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर दो चीजें कवर करी हैं, एक तो हैंड वॉश, हैंड वॉशिंग कब कब करनी चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनना, जब अगर हमें पता है कि कोई ऐसा प्रोसीजर हम कर रहे हैं, जैसे ओटी में जब हम जाते हैं तो ड्रेस चेंज करना जरूरी है, स्क्रब करना जरूरी है, ड्रेस क्यों चेंज करना जरूरी है, क्योंकि एक्सपोजर का खतरा है उसे, तो इसलिए जब हमें ये लग रहा है कि स्पिल इतना ज्यादा हो सकता है तो या तो हम गाउन पहनेंगे या फिर हम ड्रेस चेंज करेंगे, ठीक है। जब हमें ये पता है कि एयर से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो मास्क जरूरी है, ठीक है, जब आई में कुछ जाने का खतरा है तो गॉगल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेड कैप क्यों इंपॉर्टेंट है, अपना, हाँ, कई चीजें इसमें ये हैं जो दूसरों को बचाती है, ठीक है, क्योंकि हेड कैप हमारे हेड को क्या किससे बचाएगा, पेशेंट, जो कोई आप प्रोसीजर ऐसा कर रहे हो जो बहुत जिसमें कि हेयर फॉल नहीं होना चाहिए तो इसलिए हेड कैप, ठीक है। ग्लव्स, ग्लव्स दो टाइप की चीजों के लिए यूज होते हैं, एक तो आपकी एग्जामिनेशन ग्लव्स, ठीक है, एग्जामिनेशन ग्लव्स जो है वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और जो सर्जिकल ग्लव्स है वो पेशेंट की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो एसेप्टिक होते हैं, वो बिल्कुल स्टेराइल होते हैं, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस है, हर सिचुएशन में सर्जिकल ग्लव्स नहीं पहन सकते और हर सिचुएशन में आप एग्जामिनेशन ग्लव्स भी नहीं पहन सकते, ठीक है। सो हर एक पार्ट का एनिवेज पता है, शू कवर की कब इम्पोर्टेंस आती है, शू कवर या जब हम शूज चेंज करते हैं, या तो शू कवर हो जाएंगे या हम स्लीपर्स पहनते हैं, ओटी के अंदर हम क्यों स्लीपर पहनते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम इन्फेक्शन डस्ट एयर पोल्यूटेंट्स अंदर ना जाए, ठीक है। तो जब हमें फुट से भी प्रिवेंट करना है, कोई भी एयर पोल्यूटेंट या कीटाणु अंदर जाने के लिए बचाने हैं तो हम शूज चेंज करते हैं या शू कवर करते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज का प्रोटेक्शन हो रहा है और कीटाणु से ही हो रहा है, ठीक है, दो पॉइंट कवर हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, उस ट्रेन में क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, एक छोटी किडनी ट्रे भी आपको, हाँ, उसके अंदर छोटी किडनी ट्रे डालनी चाहिए, और क्या होना चाहिए उसके अंदर, स्पिरिट स्वैग भी, कॉटन अलग और स्पिरिट अलग, ड्राई कॉटन और स्पिरिट अलग, ठीक है, और मेडिसिन का सारा मटेरियल,
ठीक है, आपके सारे सिरिंज या कैमरा जो भी चाहिए, कैमरा हर एक नंबर का एक एक होस्ट है तो मच बेटर, क्योंकि आपको नहीं पता कि वेन आप जब तक एग्जामिन नहीं करके आपको नहीं पता चलता कि कौन सा नंबर का कैमरा इंसर्ट है। ठीक है, सो हर एक नंबर का कैमरा होना चाहिए, टर्निकेट होना चाहिए उसमें, और ग्लव्स कौन से होने चाहिए एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें आप रख के लेके जाओगे, क्यों? क्योंकि कभी भी ये नहीं करना कि इंजेक्शन फिल कर दिया है और बेड साइड पे रख दिया। जितना आप निडल को एक्सपोज करते हो एनवायरमेंट से, उतना ज्यादा इन्फेक्शन डायरेक्टली इंसर्ट होता है, चाहे वो कैनुला क्यों ना हो। कैनुला कभी भी ओपन करके बेड पे नहीं रखना, कैनुला ओपन ही तब करना है जब आपकी बाकी सारी प्रिपरेशन हो चुकी हो। ठीक है, क्योंकि कैनुला को इंसर्ट करने के लिए नॉन टच टेक्निक होनी चाहिए। नॉन टच मतलब उसकी निडल ना तो आप टच करोगे ना कहीं और टच होगी, वो सीधा वेन में जाएगी। ठीक है, तब तो हम इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, हम सीधा इन्फेक्शन या कीटाणु बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं। अगर हमने निडल को कहीं और टच किया और उसके बाद डाला तो वो तो बॉडी के अंदर डायरेक्टली कीटाणु जाएगा और उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, उससे नुकसान ज्यादा होगा। तो प्रोसीजर क्या होना चाहिए, पहले तो हम मटीरियल लेके गए, मटीरियल लेके जाने के बाद जब आप पेशेंट के पास जाओगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड वॉश, क्योंकि ग्लव्स पहनने से पहले भी हैंड वॉश करने हैं, उसके बाद यू विल वेयर ग्लव्स जब तक कि हैंड वॉश एयर ड्राई ना हो जाए। हैंड रब से जब आप करते हो तो फूक नहीं मारना, ऐसे ऐसे करके नहीं सुखाना, नॉर्मली नेचुरली जब एयर ड्राई हो जाएगा तब वो चलाए, उसके बाद एग्जामिनेशन ग्लव्स पहनोगे। ठीक है, यू विल चूज द साइट, साइट सिलेक्शन के बाद जब आपने क्लीन करनी है साइट, ठीक है, अगर आपने ये साइट चूज करनी है तो स्टेराइल कॉटन लेकर उसको उसके ऊपर स्टेरियम या स्पिरिट्स वैप से जस्ट वन स्ट्रोक ऊपर से सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, नो रबिंग, क्योंकि रब करने से इन्फेक्शन इधर से उधर फैलेगा, सिर्फ जस्ट वन सिंगल स्ट्रोक एंड डिस्कार्ड। जब नेक्स्ट टाइम यूज करना है तो न्यू फ्रेश कॉटन लो, फिर से स्टेरियम हो एंड देन अगेन सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, अगर सिंगल स्ट्रोक नहीं करना तो अनदर ऑप्शन होता है स्पाइरल मूवमेंट, इनर से आउटर। ठीक है, एक सिंगल, ठीक है, इस तरीके से ही ये जो एक सर्कुलर मोशन है आपको एम्बू बैग भी अपने इसी तरीके से क्लीन करने हैं। ठीक है, थर्मामीटर भी ड्राई रखने हैं और बिफोर एंड आफ्टर यूज सिंगल स्ट्रोक क्लीन करने। ठीक है, चिटर फॉर्सेप्स को ऑटोक्लेव करके फिर ड्राई रखें, डू नॉट कीप देम इन सैवलॉन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसीजर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा और सैवलॉन सॉल्यूशन में रखना मस्ट है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डेली सैवलॉन सॉल्यूशन चेंज करना। ठीक है, उसके लिए उसके ऊपर स्टिकर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, टिक करो एंड राइट योर नेम। ठीक है, डेली सैवलॉन सॉल्यूशन चेंज करो, दैट इज द ऑल्टरनेटिव। बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि उसको ऑटोक्लेव करो और ड्राई करो। क्लियर? ओके,